मास्टर कार्ड बनाने के लिए हम कोई भी एक ए4 साइज शीट ले लेंगे, कोई भी आप कलर ले सकते हैं, एंड फोल्ड इन हाफ। कोई भी एक सेकेंड कलर ले लेंगे जो आपको इसके साथ सुटेबल हो वो यूज़ कर लेना। एंड इसकी हम एक स्ट्रिप कट कर लेंगे जिसकी लेंथ 14.5 सेंटीमीटर है। एंड इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। कोई भी एक शीट ले लेंगे जिसकी हम पेंसिल बनाएंगे। चौड़ाई हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। नाउ उसका एक मिड पॉइंट ले लेंगे जिसपे आप इसके टिप बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर पे हमने मिड पॉइंट ले लिया। नाउ पेंसिल की शेप ड्रॉ कर लेंगे।
डार्क कलर की शीट ले लेंगे एंड उसमें से पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। शीट लेके इसके फ्लावर बनाएंगे। सो सबसे पहले छोटा फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। तरीके से 3 डिफरेंट साइज के फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए। नाउ अब इसको कट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर से इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्लावर्स कट कर लिए हैं। अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे। कोई भी एक बटन ले सकते हैं या कोई भी एक स्टोन ले सकते हैं जो हमें इसके सेंटर में पेस्ट करना है। अगर वो ना मिले तो आप एक पेपर का सर्कल भी कट करके पेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कलर की शीट लेके इस पे एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ करके देन कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हट कट होगा। सो ऐसे हम काफ़ी सारे हट कट कर लेंगे एंड येलो शीट जो हमारा पोर्शन है इस पर हम पेस्ट कर लेंगे। Thank you.
अब हम इसके ऊपर फ्लावर को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले हम इसको 3D इफेक्ट दे देंगे। अब हम एक ब्लैक शीट लेंगे, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हम एक हैप्पी टीचर्स डे लिख सकते हैं या फिर कटआउट लेके ऐसे एक पेपर पे पेस्ट कर लेंगे और अब इसको हम ब्लैक शीट पे पेस्ट कर लेंगे। वो कार्ड पे पेस्ट कर देंगे। उससे पहले हम एक राउंड बना लेंगे, एक स्ट्रिप कट करके उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। लास्ट हमें इसका बो बनाना है। बो बनाने के लिए हम कोई भी कलर की शीट ले लेंगे, इसको हाफ फोल्ड करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे ऐसे दिखेगा। अब इसको सेंटर में पेस्ट कर लेंगे। अब हम एक ग्लिटर शीट ले लेंगे और पतली सी स्ट्रिप कट करके उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है।
आवर टीचर्स डे कार्ड इज रेडी। सो नाउ हम इसके अंदर कोई भी एक मैसेज यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं।